Yesterday I have given you an assignment और इस assignment में basically you have to perform the nodal analysis. Nodal analysis apply करके आपने IX current की value find out करनी थी. तो इसमें सबसे पहले हम इस network को phasor equivalent circuit में convert करेंगे या इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ड्रॉ करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओमेगा की वैल्यू सर्किट में क्या है. तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 4 है और अगर ओमेगा की वैल्यू जो है वो 4 गिवन हो तो हम क्या करेंगे के जितने भी इंपीडेंसेस हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैपेसिटर की जो इंपीडेंस है एक्स सी वो जो है हमारे पास माइनस जे ओमेगा सी के बराबर होगी और इंडक्टेंस की जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है वो हमारे पास जे ओमेगा एल यानी के 1 × 4 जे टाइम्स के बराबर होगी. तो वी हैव द इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडक्टर विच इज J4 J2 एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माइनस J2.5 और हम इससे क्या करेंगे कि बेसिकली वी एलेबोरेट दिस इन द सर्किट और हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 20 एट द एंगल ऑफ 0° है. तो चूंकि ये सर्किट जो है वो हमने नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है तो हमने यहाँ देखना है कि हमारे पास नोड कौन सी है. तो हमारे पास जो है रेफरेंस नोड या नोड 0 जो है वो इज कॉमन टू द सर्किट और हमारे पास जो है एक नोड 1 है और एक नोड V2 है. तो हमने बेसिकली क्या करना है कि KCL अप्लाई करेंगे नोड 1 के ऊपर और फिर KCL अप्लाई करेंगे नोड 2 के ऊपर. तो अब हमारे पास KCL जब अप्लाई करेंगे तो बेसिकली देर इज अ करंट एंटरिंग इनटू द सर्किट और डेट करंट वैल्यू इज वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर. तो इसके क्रॉस जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगी 20 माइनस V1 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इज 10. दैट्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग क्रॉस दिस ब्रांच, राइट. तो फिर इसके बाद जो है वो हम सेकेंड ब्रांच देखेंगे और सेकेंड ब्रांच में हमें पता है कि बेसिकली जो V1 पोटेंशियल है वो V2 पोटेंशियल से हायर है. तो हम लेंगे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय J4. इसी तरीके से हम थर्ड ब्रांच का करंट फाइंड आउट करेंगे और डेट इज V1 डिवाइडेड बाय माइनस J2.5. तो इस तरीके से हमें तीनों करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी और इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कि इन करंट्स को सम अप करना है. तो बेसिकली डेट करंट is in fact is the sum of this current and this current. तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो नोड 1 की इक्वेशन जो है 20 माइनस V1 बाय 10 और डेट करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट इन टू नेक्स्ट ब्रांचेस. तो बेसिकली ये करंट जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है. तो दैट इज द करंट एंटरिंग इनटू द नोड और दैट सम ऑफ द करंट इज लीविंग फ्रॉम द नोड. तो द करंट एंटरिंग इनटू द नोड एंड लीविंग इनटू द नोड इज इक्वल एंड वी सिंप्लीफाई दिस इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स. वन वेरिएबल इज V1 एंड द अदर वेरिएबल इज V2.
राइट तो इसको सिंप्लीफाई जब हम कर लेंगे तो हमारे पास जो है द कोफिशियंट्स ऑफ वी वन वेरिएबल इज 1 + j 1.5 और जो द कोफिशियंट्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल इज j 2.5 एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज 20. सो दैट इज इक्वेशन 1. Now we do that for the next node. तो basically अब next node पे भी हमने KCL apply करना है. तो इसमें हमें पता है कि basically two currents entering into the node. One is 2IX and the other is V2 minus V1 by J4 or the other is V2 by J2. तो basically इन दोनों का जो sum है वो basically इसके बराबर होगा. ठीक है, तो हम इसको जो है इस equation को लिखेंगे. Second equation for node 2. तो यहां पर हमारे पास 2IX है और ये बेसिकली हम इस टर्म को यहां से यहां पर शिफ्ट किया है तो ये बेसिकली हमारे पास V1 minus V2 आ जाएगा. Instead we take it V2 minus V1 by J4. ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन पहले हम IX की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और IX की वैल्यू जो है वो हमारे पास है V1 by minus J2.5. तो हम इस की वैल्यू जो है IX की वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद इससे जो है इक्वेशन 2 जो है वो लिख लेंगे. अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं लेकिन हमें इसमें जो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने की जरूरत है वो v1 वेरिएबल है क्योंकि अगर v1 वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें IX की वैल्यू जो है मिल जाएगी. तो that is very simple. We calculate the value of delta and we calculate the value of delta 1 and we calculate the value of V1. We calculate the value of V1 and after finding the value of V1, we divide it by minus J2.5. So say minus J2.5 se divide karenge to hume IX ki value mil jayegi. और IX को हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में जो है वो लिख देंगे और हमें पता है कि बेसिकली ओमेगा की वैल्यू जो है वो नोन है और इट इज द कोसाइन सिग्नल और जो हमारे पास दिस इज 7.59 एंड दिस इज इन फैक्ट इज द फेस 108.4 डिग्री. तो इस तरीके से जो है वो हमने नोडल एनालिसिस की मदद से जो है वो IX की वैल्यू फाइंड आउट करी. तो ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट थी जो कि कल आपको सॉल्व करने के लिए दी थी और उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गई होगी. अब बेसिकली आज हमने जो है मैश एनालिसिस को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कर लिया. तो मैश एनालिसिस जो है वो हमने कल स्टडी किया था लेकिन हमने 2 मैश नेटवर्क जो है वो सॉल्व किया था लेकिन आज जो है वो हम 3 मैश नेटवर्क देखेंगे और इसमें जो है वो हमारे पास वोल्टेज सोर्स भी है मैश में और करंट सोर्स भी है मैश में. सो दिस इज अ मैश एनालिसिस विद इन फैक्ट अ करंट सोर्स एंड अ वोल्टेज सोर्स और इसमें हमारे पास जो आई नॉट वेरिएबल है आई नॉट जो करंट है विच इज इन फैक्ट इज द नेगेटिव I2 जो के ब्रांच 2 के करंट के इनवर्स है. जो सेकंड मैश है इसके करंट के इनवर्स है.
तो हम इससे क्या करेंगे कि हम जो है वो पहले मैश एनालिसिस अप्लाई करेंगे, और मैश एनालिसिस में हम इसे जो है वो बाय इंस्पेक्शन भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बाय इंस्पेक्शन सॉल्व करने का तरीका ये है कि यू सम अप ऑल द इंपीडेंसेस इन द फर्स्ट मैश एंड मल्टीप्लाई इट बाय आई वन, एंड फॉर दिस इंपीडेंस द पोलैरिटी ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है कि जो हमारे पास जो क्लॉकवाइज करंट है उसको जो है वो आप पॉजिटिव लेंगे, और जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट जो इस सर्किट एलिमेंट में से गुजर रहा है इसको नेगेटिव में लेंगे, तो माइनस जे टेन आई थ्री लेंगे, और ये जो है हमारे पास ये प्लस जे टेन आई टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन भी लिख सकते हैं। तो मैश वन की जो है इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो मैश वन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई। यहां पर जो साइन है ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये जो है माइनस जे टू है, और माइनस साइन फॉर द पोलैरिटी ऑफ आई टू, सो इट बिकम्स माइनस प्लस जे टू आई टू, और उसके बाद जो है वो माइनस जे टेन आई थ्री हमारे पास आ जाएगा, और डेट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास ब्रांच वन में जो है हमने केवीएल अप्लाई किया और हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद हम मैश टू पे अप्लाई करेंगे। सो मैश टू पे जो है हमारे पास जो है वो वी हैव द करंट I2 which is in the clockwise direction, और हम सब components को sum up करके I2 current से multiply करेंगे, so that is the voltage of the voltage across the network। तो जो है उसके बाद जो है वो हम basically plus J2 I1 लेंगे क्योंकि इस component में जो है वो हमारे पास जो I1 करंट है विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो बाय इंस्पेक्शन वी विल हैव प्लस J2 I1, और फिर हम I3 लेंगे। I3 नेटवर्क में और I2 नेटवर्क में माइनस J2 है, तो ये प्लस J2 I3 आ जाएगा हमारे पास, और फिर जो है हमारे पास जो ये वोल्टेज है ये चूंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है और विद इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so the current flowing from positive to negative, so we take this voltage as plus 20 at the angle of 90 degree। ठीक है, और जो branch 3 का जो current है I3 वो हमारे पास यहाँ पर 5 है, 5 ampere। तो अब हम क्या करेंगे कि I3 की value जो है इसमें substitute कर देंगे into equations में, और हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं I1 और I2 जो है वो अननोन रहेंगे, तो उसमें से जो हमें वेरिएबल फाइंड आउट करना है वो I2 वेरिएबल फाइंड आउट करना है। तो पहले जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है वी विल हैव द इक्वेशन 3 एंड वी हैव द इक्वेशन 4। अब इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है
और इसमें जो है हमें I2 वेरिएबल रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो है वो वी हैव टू रीऑर्गेनाइज दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। तो अब हमारे पास जो है वी हैव दीज टू इक्वेशंस एंड वी हैव दीज इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। और यहां से जो है वो हम बेसिकली क्या करेंगे कि वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि डेल्टा 2 की वैल्यू जो है हमें रिक्वायर्ड है, और हम डेल्टा 2 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। और डेल्टा 2 बाय डेल्टा जो है वो हमारे पास I2 है, तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ I2, तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली इसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स जो है वो बेसिकली करने के बाद हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी That is in fact is the value of I naught, और जो I naught है that is the required current we want to know। तो इस तरीके से जो है ये हमारा mesh analysis हो गया। लेकिन sometimes we have a problem, sometimes we have a current source between two mesh, के जो current source है वो दो मैश के दरमियान आ जाता है, और वी कैन नॉट एबल टू राइट द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। तो करंट सोर्स की जो वोल्ट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हम लिख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या एज्यूम करते हैं कि हम एक सुपर मैश कंसिडर करते हैं। सो इस सुपर मैश की मदद से जो है वो हम नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। तो सुपर मैश जो है वो हम उसकी मदद से जो है नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये मैश है, दिस वन एंड द अदर वन this one, और इसके दरमियान जो है ये करंट सोर्स है। तो बेसिकली हमें जो है वो इसको जो है सुपर मैश के तौर पे कंसिडर करना है। लेकिन वट वी वॉन्ट टू नो द पोटेंशियल अक्रॉस दिस माइनस जे टू ओम कैपेसिटेंस, सो दैट इज अननोन। सो वी फर्स्ट राइट द मैश करंट्स। सो हमारे पास जो है यहाँ पर I1, I2, I3 एंड I4 फोर मैश हैं और फोर ही मैश करंट्स हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम सुपर मैश के तौर पे कंसिडर करेंगे, और हम इस पे जो है KVL अप्लाई करेंगे पहले मैश वन पे। तो हमारे पास मैश वन की इक्वेशन आ जाएगी, तो ये हम बाय इंस्पेक्शन डायरेक्टली लिखेंगे। और इसी तरीके से जो है वो हम वी विल प्रोसीड फॉर मैश टू। मैश टू में हमारे पास जो है वो इज द करंट इज माइनस थ्री एम्पेयर, क्योंकि ये करंट जो है वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और आई टू करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम I2 को जो है वो -3 एम्पेयर कंसिडर करेंगे।
और फिर उसके बाद जो है वो हम मैश थ्री के लिए जो है इक्वेशन लिखेंगे। सुपर मैश इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट 8 माइनस J4 इंटू I3। तो हमारे पास जो है फर्स्ट कंपोनेंट 8 माइनस J4 I3 आ गया, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्या है, सेकंड कंपोनेंट इसमें 8 ओम में से I1 करंट पास कर रहा है जो कि माइनस 8 I1 है, ठीक है। और I4 करंट के लिए हमारे पास जो है 6 दिस 6 एंड प्लस J5 सॉरी दिस प्लस J5 इज 6 प्लस J5 इंटू I4। और हमारे पास जो है I2 के लिए जो है वो माइनस J5 I2 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं इंस्टेड ऑफ 4 इक्वेशंस। तो हम फोर्थ इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सुपर मैश के अंदर जब आपने फोर्थ इक्वेशन लिखनी है तो आपने क्या करना है कि KCL लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि करंट सोर्स है, तो ये जो नोड ए है इस पे आप KCL लगाएंगे। 3 इक्वेशन आपको KVL से मिली, आपने 2 मैश और 1 सुपर मैश के ऊपर KVL लगाया और आपके पास 3 इक्वेशंस आ गए। अब आपने जो नोड है ए नोड के ऊपर KCL लगाना है। तो ए नोड के ऊपर आप KCL लगाएंगे कि I3 प्लस 4 एम्पेयर करंट सोर्स इज इक्वल टू I4, ठीक है। तो KCL जब लगाएंगे नोड ए पे तो I3 इज इक्वल टू 4 प्लस I4। तो हमारे पास जो है फोर्थ इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब इस इक्वेशन इन 4 इक्वेशंस को हम देखें तो लेट्स सी द 4 इक्वेशंस। तो ये 4 इक्वेशंस जो हैं वो हम इन पे गौर करते हैं। तो इसमें जो सेकंड इक्वेशन है वो सिंपल I2 इज इक्वल टू -3 एम्पीयर, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो डेट इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू I3 प्लस 4। तो हमारे पास ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये सिंपल हैं। तो बेसिकली हम इन 2 इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में, तो हमें जो है इक्वेशन 5 और 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पर जो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स रह जाएंगे वो हमारे पास रह जाएंगे I1 और I3। तो इसी तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, यहां पर I1 और I3 हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं। तो अब हम I1 और I3 के लिए जो है साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय मैट्रिक्स जो है वो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज इनफैक्ट इज वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा 1, and we will get the value of I1 by dividing delta 1 by delta. तो I1 की value जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है, I1 की value. So अब हमें जो है
वी आउट फाइंड आउट करनी है। तो वी आउट फाइंड आउट करने के लिए हमें आई वन की वैल्यू मालूम है जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है, और आई टू की वैल्यू जो है वो 3 एम्पेयर है। तो ये जो है बेसिकली क्या होगा कि आई वन माइनस आई टू इंटू माइनस जे टू, कि हम जो वोल्टेज ये जो वी आउट फाइंड आउट कर रहे हैं ये बेसिकली इस माइनस जे टू के क्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है आई वन प्लस 3 एम्पेयर हो जाएगा, और हमारे पास जो वी आउट की वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। और इस तरीके से जो हमने अभी जो है सुपर मैश एनालिसिस भी सीख लिया, और ये सिंपल है। इसमें सिर्फ ये है कि हमें फोर्थ इक्वेशन के लिए KCL लगाना पड़ा, और हमने जो है सुपर मैश अदरवाइज हमारे पास 4 इक्वेशंस कंप्लीट ना होती, और हम जो है वो सॉल्व ना कर पाते आई वन आई टू आई थ्री और आई फोर के लिए। तो इसलिए हमें जो है वो सुपर मैश पे जो है फाइनली नोडल एनालिसिस भी लगाना पड़ेगा। तो नोडल एनालिसिस इसलिए हमें लगाना पड़ेगा कि क्योंकि इसमें लाजमी दोनों ब्रांचेस के दरमियान करंट सोर्स आएगा। तो अदरवाइज अगर इस करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स होता तो फिर हम सुपर मैश ना लेते, और हमें जो है वो वोल्टेज जो है मिल जाती, और हम KVL लगा सकते थे। लेकिन इस करंट सोर्स की वजह से हम KVL नहीं लगा सकते थे, तो हमें KCL लगाना था, और KCL जो लगाने से जो है वो हमें फोर्थ इक्वेशन मिल गई। अब एक और टेक्निक जो आपने पहले भी सर्किट एनालिसिस में पढ़ी होगी, अब ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हम इसको जो है क्विकली ओवरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब जो है वो हमने इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन जो है या फेजर रिप्रेजेंटेशन जो है उस फॉर्म में इसको सॉल्व करना। तो बेसिकली वी विल हैव अ क्विक व्यू ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स। अच्छा, सुपरपोजिशन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास दो नेटवर्क हैं, और दो नेटवर्क जो हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एक सोर्स का इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक सोर्स के इफेक्ट की वजह से जो इम्पीडेंसेस हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो वी विल ड्रॉ द नेटवर्क विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट सोर्स, और जब हम फर्स्ट सोर्स का इफेक्ट लेंगे तो बाकी सोर्सेस नेटवर्क में मौजूद होंगे। यस, वो उनको हम रिप्लेस करेंगे अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो 0 वोल्ट के साथ, और अगर करंट सोर्स है तो 0 एम्पेयर के साथ। तो वोल्टेज सोर्स 0 कब होता है? जब आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं। और करंट सोर्स आपका 0 एम्पेयर कब होता है? जब आप उसे ओपन सर्किट करते हैं। तो अब हम जब सेकेंड सोर्स कंसिडर करेंगे तो हम फिर फर्स्ट सोर्स को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर देंगे। इफ देयर आर मोर देन 2 सोर्सेस तो सो ऑल अदर सोर्सेस विल बी शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट व्हाइल कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ सेकंड सोर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से वन बाय वन इफ देयर आर मोर देन 1 सोर्सेस तो वी विल टेक द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट second, third, fourth, and so on, how many current and voltage sources are present in the network. ठीक है, तो one by one effect लेंगे, और तमाम remaining जो voltage और current sources हैं उनको हम correspondingly short circuit और open circuit कर देंगे।
तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल से पहले ये है कि जब हमें हर जो है वो इफेक्ट ऑफ जो है हर सोर्स का जो इफेक्ट है वो हम डिटरमिन कर लेंगे, तो द इफेक्टिव आउटकम विल बी द सम ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेस, सम ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ऑल द करंट और वोल्टेज सोर्सेस। तो जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उन सबको आपने सम करना है टाइम डोमेन रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं और एक करंट सोर्स है। तो अब हमने इसको सिंपल कैसे करना है कि हम इसमें से एक एक का इफेक्ट कंसिडर करेंगे और बाकी को जो है वो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करेंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस नेटवर्क में हमें वी आउट फाइंड आउट करना है, द वोल्टेज अक्रॉस दिस 1 ओम रेजिस्टर। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन विद दिस फर्स्ट सोर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन विद द सेकेंड सोर्स ड्रॉ करेंगे और फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन विद द थर्ड सोर्स। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो है 5 है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 है और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2 है। तो ये जो आपके पास जो इम्पीडेंसेस हैं ये दो, इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास जो है इसके जो है वो 3 जो है इक्विवेलेंट नेटवर्क्स बन जाएंगे। अब हमने पहले क्या किया कि पहले हमने फर्स्ट सोर्स को कंसिडर किया, तो हमारे पास पहला सोर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमने इसको ओपन कर दिया, यहां से जो है ना इट विल बी कट ऑफ, क्योंकि ये करंट सोर्स है तो इसको हमने कट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है कट ऑफ हो गया और इसको जो है वो हमने क्या किया कि बेसिकली इसको जो है हमने शॉर्ट कर दिया, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो यहां से जो है हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास ये इंपीडेंस भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इसमें 1 ओम, 4 ओम रेजिस्टेंस और 5 वोल्ट वोल्टेज हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली नेटवर्क जो है सिंपल हो गया। फॉर द सेकेंड सोर्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास सेकेंड सोर्स जो है वो हमारे पास 2 sin 5t है। सेकेंड सोर्स मैं ये लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 sin 5t है। तो ऑल अदर सोर्सेज सेट टू 0, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, और इसको भी शॉर्ट कर दूंगा। तो अब मेरे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो 5 है, तो मैं जो है वो इसको J10 ओम, मेरे पास J10 ओम
और मेरे पास डेट इज माइनस जे ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस जे टू ओम और मेरे पास वन ओम एंड फोर ओम रेजिस्टेंस आर इन द नेटवर्क और डेट इज इन फैक्ट इज टू साइन 5t. तो जब मैं इसे कोसाइन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2 एट द एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि जब साइन से मैं कोसाइन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2 एट द एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हम सेकेंड कंपोनेंट का भी इफेक्ट देखेंगे और इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्म. ठीक है, तो जब हमारे पास ये तीन नेटवर्क्स आ गए तो हमने हर एक में यहाँ पर नेटवर्क वन में वी वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें वी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें वी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट. तो बेसिकली चूंकि ये फेजर फॉर्म में है तो इसको कैपिटल वी वन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी वन से. ठीक है, तो हमारे पास जो है वी वन और V2 और V3 की जो वैल्यूज आएंगी उनको हम सम अप कर देंगे. तो ये हमारे पास सिंपल है कि हमने फर्स्ट नेटवर्क को सॉल्व किया और V1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 वोल्ट आ गई. तो बेसिकली इसको आप चूके ये इसका जो है देर इज अ डीसी वोल्टेज सोर्स एंड इट्स नॉट एन अल्टरनेटिंग सोर्स तो इसको आप कैपिटल वी वन से भी और स्मॉल वी वन से भी लिख सकते हैं. अगर आप इसकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो भी ये वन वोल्ट ही आएगा लेकिन हम जो है वो इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कैपिटल वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी से ताकि बाद में से हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकें. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नेटवर्क एलिमेंट था तो उसमें सेकंड वोल्टेज सोर्स था उसका इफेक्ट हमने काउंट किया और इसको कॉरस्पॉन्डिंग इंपेडेंसेस में कन्वर्ट कर लिया था. तो अब बेसिकली हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इन दो ये दो जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास एक सीरीज नेटवर्क आ जाएगा और उस सीरीज नेटवर्क में हम वोल्टेज अक्रॉस वन ओम रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमारे पास ये जो है इम्पीडेंस जी जो है इज इन फैक्ट इज माइनस जे फाइव पैरेलल फोर ओम और इसकी वैल्यू जो इम्पीडेंस की हमने कैलकुलेट. तो अब हम हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो हमने रेक्टेंगुलर या कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन भी निकाली. तो अब हमने जो है वो इस वन वोल्ट के क्रॉस इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे कि इस वन वोल्ट करंट सोर्स को लेंगे और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसके लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा कि वन डिवाइडेड बाय द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क इनटू वीएस. तो हमें इससे जो है वो वी टू की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी और वी टू की वैल्यू को जो है हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, इसी तरीके से हम सिंपल नेटवर्क को सॉल्व करेंगे फॉर वी थ्री और V3 में हमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये कंपोनेंट है ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल में है J4 और J2 माइनस J2 और 4 ओम. तो इसको जो है हम Z1 से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी, दो पैरेलल ब्रांचेस आ जाएंगी. वन की इंपीडेंस जो है वो हमारे पास क्या है, वन की इंपीडेंस हमारे पास जो है वो J10 ओम है. J2
जो ब्रांच लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, और जो दूसरी ब्रांच है उसकी इंपीडेंस हमारे पास क्या आएगी कि Z1+1। ठीक है, Z1+1। और हमने जो है वो करंट जो है वो फाइंड आउट करना है क्रॉस 1+Z1। ठीक है, 1+Z1 के करंट हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए जो है हमें 1+Z1 के जो ऑपोजिट ब्रांच है उस ब्रांच का जो है वो बेसिकली J10 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये करंट डिवाइडर रूल लगा रहे हैं। तो देन वी विल फाइंड द करंट अक्रॉस द फर्स्ट ब्रांच। ठीक है, तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे और J+J10 1+Z1 और इनटू द वैल्यू ऑफ द करंट। तो जब हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अक्रॉस दिस I1+this Z network, I1+this Z network, तो Z network जो है वो हमारे पास I1 में से वही करंट पास करेगा जो Z में से पास करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 1 में से देखेंगे कि 1 में से क्या करंट पास कर रहा है और Z में से क्या करंट पास कर रहा है। तो उसके लिए हमें इस करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसके ऑपोजिट ब्रांच है, क्योंकि करंट डिवाइडर रूल में हम ऑपोजिट ब्रांच से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको J10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ। ठीक है, और जब हमें I1 की वैल्यू मिल गई तो हमने उसको I1 को जो है सिंपली 1 ओम से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें जो है वो क्या मिल जाएगी, बेसिकली वोल्टेज V3 मिल जाएगी। और इसकी जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत सिंपल है कि हम वी कैन हैव द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस करंट। और अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली तीनों सोर्सेज का जो इफेक्ट है ओवर दिस 1 ओम रेजिस्टर उसको सम अप कर देंगे। और दिस इज फ्रॉम फर्स्ट सोर्स, फ्रॉम सेकंड सोर्स एंड फ्रॉम थर्ड सोर्स। तो हमारे पास जो है ये आउटपुट वोल्टेज आ गई। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी कि इसका जो आपने बुक सेंड की है ना LMS पे सर अपलोड की हुई है। मैंने आपको सिर्फ स्लाइड्स दी है। नहीं सर, बुक LMS पे आपकी बुक भी है किसके अपलोड है। अच्छा, नहीं वो मैंने टेक्स्ट बुक आपको दी है रेफरेंस के लिए, वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं उसकी सॉफ्ट PDF वर्जन। लेकिन मेरे ख्याल में मेजॉरिटी के पास उसकी हार्ड कॉपी होगी, क्योंकि आप फर्स्ट कोर्स और सेकंड कोर्स एक दफा पढ़ चुके हैं और सेकंड कोर्स जो है वो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी के पास बुक होगी। अगर आपके पास 5th edition है तो आपको 6th edition लेने की जरूरत नहीं है, तो 5th edition को ही फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप 6th edition मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मार्केट में उसका पेपर एडिशन भी अवेलेबल है, गुड क्वालिटी एडिशन भी अवेलेबल है और इम्पोर्टेड एडिशन भी अवेलेबल है। जो आप अफोर्ड कर सकें वो मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो PDF आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उसमें आप मेजॉरिटी PDF के साथ कंफर्टेबल होंगे।
ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। अब ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेथड है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में इंपीडेंस कनेक्टेड है, तो हम उसे करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं विद द सेम इंपीडेंस वैल्यू इन पैरेलल। ठीक है, यानी कि इंपीडेंस नेटवर्क इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है वो करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा भी हम परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हमारे पास करंट सोर्स है और पैरेलल इंपीडेंस नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो हम उसको वोल्टेज सोर्स और सेम इंपीडेंस वैल्यू इन सीरीज कनेक्ट करके भी नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? से कि हमारे पास ये एक नेटवर्क है और इसमें हम वी एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस नेटवर्क को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन सच अ वे के जो इसमें सीरीज इंपीडेंस है, इस सीरीज इंपीडेंस को हम पैरेलल के साथ रिप्लेस करें और इसको जो है वो करंट सोर्स के साथ रिप्लेस कर दें। तो हम इसको जो है इसकी जो इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू है कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपीडेंस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस करंट सोर्स, और ये माइनस जे फोर एम्पेयर है। तो ये 5 ओम जो इंपीडेंस है ये पैरेलल में कनेक्ट होगी। ठीक है, और फिर अब हम इस पैरेलल नेटवर्क को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है Z1 नेटवर्क है, Z1 नेटवर्क जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आफ्टर सॉल्यूशन 2.5 प्लस जे 1.25 ओम आ गई है, और इसकी वैल्यू जो है वो हम यहां लिख देंगे। अब इस पैरेलल को हम फिर दोबारा सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। ये जो हमारे पास करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ये कि जब हम डेट इज जे, तो हम इसको जो है नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो जो सोर्स वोल्टेज है वो I2 इंटू Z1 आएगी, I2 इंटू Z1, यानी कि इफ दिस इज I2 एंड दिस इज Z1, सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज द वैल्यू ऑफ Vs, राइट? और ये वैल्यू जो है Vs की हमारे पास क्या आई है, 5 - j10 वोल्ट, और वी हैव मेंशनड दिस इन द नेटवर्क। और जो ये Z1 इंपीडेंस थी जो कि हमने कैलकुलेट की थी यहां पर, वो अब सीरीज में आ गई है हमारे पास। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमने नेटवर्क को बेहद सिंप्लीफाई कर लिया है, और इस पे हम अब सिंपल VDR लगा सकते हैं। VDR लगा के हम वोल्टेज अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो है डेट इज वेरी सिंपल। और सम ऑफ ऑल द इंपीडेंसेस और जो वोल्टेज डिवाइडर रूल में जिसके क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो आप सिर्फ उसी को लेंगे। एक्चुअली इनफैक्ट इट
this is the amount of current flowing in the network, right? This is the current I in the network, in the series network, right? This is the current I. तो बेसिकली वो हमारे पास जो है VX2.519 एट द एंगल ऑफ -28 degree जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो दैट्स वेरी सिंपल. और आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस पढ़ा, ठीक है, और हमने जो है वो सुपर नोड और सुपर नोड पे केवीएल अप्लाई किया, फिर हमने मैश एनालिसिस पढ़ा, राइट. आज के लेक्चर में हमने मैश एनालिसिस डिटेल में पढ़ा और सुपर मैश एनालिसिस जो है उसको स्टडी किया. सुपर मैश एनालिसिस में सुपर मैश के ऊपर हम केसीएल लगाते हैं, राइट. और फिर हमने सुपर पोजिशन एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है वो हमने स्टडी किए. तो अब आप इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और फिर जो है वो आपकी क्यूरीज हो तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते. जी सर. जी जी सर. ये मंडे को क्विज होगा सर? ये क्विज जो है मंडे को होगा और चैप्टर 9 में से होगा. और क्लास के बाद जो है वो मैं आपको मेल करूंगा और आप मुझे 15 मिनट्स के अंदर उसका सलूशन जो है वो सबमिट कर देंगे थ्रू ईमेल. ठीक है सर. वो बेसिकली मैंने एक बात बतानी थी कि सर आपने 3:30 बजे वाले जो आपकी मेल आई थी और टाइम टेबल के अंदर ना 3:30 बजे ईएनए की क्लास रखी गई है. तो सर मेरा ना 2 बजे वो लैब होती है ईएनए की. तो सर वो ऐसे तो सर लैब नॉर्मली एक घंटे में सवा घंटे में खत्म हो जाती है, तो मैं 3:30 बजे इधर कनेक्ट हो जाता होता हूँ. लेकिन सर अच्छा. वो किसी टाइम पे ये भी तो हो सकता है सर वो फाइनल के डेज के अंदर या इस तरह ना सर वो थोड़ा सा. आप ये ईमेल कर दें हसन तारिक साहब को ईमेल कर दें आपकी जो भी क्यूरी, क्योंकि लैब सिर्फ आपकी नहीं होगी बल्कि बहुत सारे लोगों की होगी. और अगर कोई ऐसा इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ मैं ही हूँ लैब के अंदर. नहीं ये कैसे हो सकता है अगर आप अकेले की लैब हो रही हो ना. तो लैब तो लैब में मैं भी हूँ सर. लैब में मैं भी हूँ. आप सबकी लैब कौन है? हाँ सर एक लड़का और है सर वो सीनियर ही है सर उमर खान. नहीं आप सबकी लैब इकट्ठी हो रही है मेरे ख्याल में. ये हो नहीं सकता पॉसिबल क्योंकि एक ग्रुप बनेगा. और जी सर. सर यस सर 2-3 लड़के हैं. सॉरी सर वो मैं जरा तो मुझे लग रहा था कि इनकी तो आप ये हसन तारिक साहब को ईमेल करें कि अगर आपका कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो अगर फ्रीक्वेंटली चेंज है इसको एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करती टाइम टेबल में. तो ये किसकी रिक्वेस्ट पे चेंज हुआ था टाइम, लेकिन बहरहाल आई डोंट नो के, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस में ये पहली दफा ऐसा हुआ कि टाइम चेंज हुआ है क्लास का. तो देर इज समथिंग इनिशिएटेड बाय योर साइड, तो जिसकी वजह से चेंज हुआ होगा. तो आपको जो है वो अवेलेबल स्लॉट भी इंफॉर्म करनी चाहिए थी. तो डेट्स योर एंड के क्लैरिफाई करें कि जो है अभी इस वीक तो कल की क्लास होने दें. मेल बेशक आज इनिशिएट कर दें, लेकिन जो है वो टाइम टेबल विल बी अफेक्टिंग व्हाटएवर विल बी अफेक्टेड जो है वो दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीक. यस सर मैं कर दूंगा मेल डेफिनेटली. ठीक है. ठीक हो गया सर. चलो ठीक है फिर. अच्छा यहाँ पर फिर अब मैं ये इसलिए पहले रिकॉर्डिंग मुझे स्टॉप कर देनी चाहिए क्योंकि मुझे ये लेक्चर अपलोड करना होता है. तो चलें खैर.